हाय गाइस, सागर की डायरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम बुद्धा स्तूपा स्वयंभू के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहां का पूरा सैर सपाटा कराने वाला हूं कि कैसा दिखता है यहां का और क्या क्या है अंदर घूमने लायक का। एक बार मैं पहले यहां भी आ चुका हूं, लेकिन यहां के बारे में उतनी जानकारी नहीं जुटा पाया जितना कि, फिर भी ये मेरा पहला व्लॉग है सागर की डायरी के लिए। तो चलते हैं आगे सैर सपाटे। एंट्री करते ही गेट से ऐसा देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा, और यहाँ से ऊपर को इन, ये देखो, और ये सबसे बड़ा। वाह, क्या मनोरम दृश्य है। यहाँ से देखो स्तूपा, और ये भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। आपको एक बार जूम करके दिखा दूं, कितनी बड़ी मूर्ति। ठीक इसके बगल में एक दूसरी मूर्ति, और इधर ये भी मूर्ति। यहाँ पर पर्यटक लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। एक बार यहाँ का व्यू देख लो। काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यहाँ अंदर, और क्या शांत वातावरण है। वाकई शांति भूमि है ये। तो थोड़ा सा मैं इस मूर्ति के सामने खड़े हो करके देख लेता हूँ। और देखो गाइज, काठमांडू का व्यू यहाँ से इस साइड का क्या अमेजिंग दिख रहा है। और अंदर जाएंगे अभी यहाँ से। इस साइड में देखो गाइज, बुद्धा लिखा हुआ। और ये देखो गाइज, क्या शांत वातावरण है, लोग बैठे हैं। हम पीछे चल के देखते हैं किस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। और देखो गाइज, वहाँ का ही क्या मस्त सुंदर नज़ारा है यहाँ से। थोड़ा सा एक बारी घूम के दिखा दूँ, ये देखो इस साइड का व्यू देखो। अब इस साइड से होके हम पीछे को जाते हैं, और यहाँ से ऊपर जो मस्त दिखने वाला स्तूपा को देखेंगे हम ऊपर जा करके। तो यहाँ पर वाटिकाएँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं, और शांत सुंदर वातावरण काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये देखो गाइस, पत्थरों पर किए गए नक्काशी। क्या मस्त नक्काशी किया गया है, देखने के लिए भी कुछ बढ़िया लग रहा है। पूरी नक्काशी भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध की मूर्ति का दर्शन करके अब बुद्ध की स्तूपा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से जाना पड़ता है इस बाई रोड, यहाँ से आकर के यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इस गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक मार्केट भी दिख जाएगा। ये देखो ये जंगल, और जाना हमको यहाँ से इस रास्ते में। आपको एक मार्केट दिख जाएगा यहाँ से पूरी ऊपर लाइन तक। यहाँ पर खिलौनों से लेकर पर्स से लेकर जो दैनिक उपभोग्य सामान से लेकर भगवान बुद्ध के मूर्तियाँ माला सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इस मार्केट से आप खरीद सकते हैं। ये मार्केट लगभग बुद्ध के स्तूपा आने तक, ये वहाँ तक है
एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ, देखो वहाँ तक ये पूरा मार्केट है, वहाँ ऊपर तक। जब मैं चढ़ाई का रास्ता पार करके रोड पर आया तो क्या अमेजिंग व्यू दिख रहा है यहाँ से इस रोड में। और जाना है बुद्ध स्तूपा में, यहाँ से एक बार आपको नज़ारा दिखा दूँ बुद्ध स्तूपा का कैसा दिखता है। रोड पर वाहन भी कम चलते हैं और हमको कहाँ जाना है एक बारी घूम के दिखा देते हैं। ओ देख रहे हो ऊपर हाइट में, उस साइड में जाना है, चलते हैं आगे। ये आप देख रहे हो क्या अमेजिंग व्यू दिख रहा है काठमांडू का। अभी हम पहुँचे नहीं, अभी यहीं पर हैं, नीचे रोड में हैं। तो यहाँ से एक बार ही आपको दिखा देता हूँ व्यू कैसा दिखता है। जाना हमको ऊपर तो इसमें है, यहाँ पर इस स्तूपा में पहुँचना है, चलते हैं। साइड में आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हो और यहाँ से हमको अंदर एंट्री करना है, ठीक है। गेट से अंदर स्टार्टिंग करते समय आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ से अंदर एंट्री करना है। यहाँ पर हर देश के घूमने आते हैं, अंग्रेज भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये खूबसूरत नज़ारा भगवान बुद्ध का स्तूपा स्वयंभू में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत से लोग दूर दराज के इंडिया से भी आते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस रास्ते से होकर के ऊपर जाएंगे, पूरा स्तूपा का भ्रमण करेंगे, उसके बाद में आएंगे इस रास्ते से, ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर विभिन्न चीज़ मिल जाएंगे आप जो खरीदेंगे, खूंखरी से लेकर के सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या शांत वातावरण है, वहाँ की हवा भी खूबसूरत चल रही है बदन में, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और जगहों से बहुत शांति और मनोरम वातावरण ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ बुद्ध स्तूपा स्वयंभू में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यहाँ के आनंद की अनुभूति ही कुछ और है। देखो यहाँ से देख लो क्या सुंदर नज़ारा काठमांडू का, पश्चिमी काठमांडू का। और यहाँ से इस रास्ते से आया मैं, अब इस रास्ते को जाना है, ठीक है, चलते हैं आगे। पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूरी पर है, पहुँच चुके हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध के स्तूपा में। तो यहाँ पर देखो जगह जगह दुकानें लगी है, यहाँ से खूबसूरत चीज़ आप खरीद सकते हो। पहले इस गुम्मत की ओर चलते हैं और इधर का नज़ारा है, यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू लग रहा है। इस पूरे गुम्मत का एक चक्कर मैं आपको लगा दूँगा। और यहाँ से इसको घुमाना होता है, पूरा एक चक्कर लगाना होता है इसमें, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर छोड़ना होता है, ठीक है।
पूरा एक चक्कर लगा लिया और इस साइड में देखो पूजा चल रही है कबूतर। एक बारी जैसे मैं काठमांडू का व्यू दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ से इतना अमेजिंग व्यू दिखता है कि आप यकीन नहीं कीजिएगा। क्या अमेजिंग व्यू, क्या आलू तो गाइस मैंने आपको काठमांडू का व्यू दिखा दिया जो यहाँ से हाइट से दिखता है, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा था। अब आपको इधर का थोड़ा सा भ्रमण करवा देते हैं, इधर क्या क्या है। और ठीक तो गाइस इस तरह की दुकान आपको हर जगह मिल जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, भगवान बुद्ध के मूर्तियों से लेकर मालाओं से लेकर और भी बहुत कुछ। तो थोड़ा इधर मंदिर के पश्चिम साइड में चलते हैं, इस्तीफा के पश्चिम साइड। सॉरी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कबूतर दाना चुग रहे हैं, मैं साइड से जाऊंगा। तो देखो गाइस यहाँ पर इस तरह की कई सारी छोटी छोटी मंदिर श्रृंखलाएं मूर्तियाँ बनी हुई है। यहाँ से देखो एक राउंड, मैं एक क्लिप ले लेता हूँ तब तक के लिए कैमरा पाउच। देखो गाइस यहाँ पर बहुत सारे मंदिर श्री छोटे छोटे और स्तूपा देखते ही बनता है। साइड से नीचे को चलते हैं, यहाँ है क्या। तो गाइस मैं पूरा आपको स्तूपा घुमा चुका हूँ, अब इस सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, वहाँ से घूम करके आऊँगा। आ चुका हूँ, कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट के ज़रिए, ठीक है। और इसी तरह के और भी सुंदर प्लेसेस की जो वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट करना, और सागर की डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इधर चलते हैं थोड़ा सा, अब आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। एक स्तूपा और यहाँ पर, खीरे ककड़ी और नारियल आसानी से मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, यदि आप खाना चाहे तो। यहाँ पर अंग्रेजों की तादाद मैंने ज़्यादा देखी, ये जो बंदर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, नेपाल में तो बंदर बहुत मिलते हैं। ये किसी को कुछ कहते नहीं बेचारे, इनको जब कुछ खाने का दे दो तो झपट के खा लेते। और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो गाइस, ये यहाँ पे सिक्के डालते हैं, उसमें अंदर जाता है या नहीं जाता, इसमें ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें, ये देखो अब डालते हैं सिक्के, कोई भी फेंकेगा देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। ये देखो नहीं गया, ये चारों तरफ से गोला ही है। ये देखो ये क्या मस्त नज़ारा।
गाइज इस साइड से हम पूरा घूम के आ चुके हैं। इस साइड से इस यहाँ से हम थोड़ी देर पहले एंट्री किए थे और यहाँ से मैं एग्जिट हुआ। अब थोड़ा इस साइड को चलते हैं, यहाँ कैसा नज़ारा है। इससे ऊपर को जाना है, जा रहा हूँ मैं। यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा और यहाँ का नज़ारा देख कर फिर रिटर्न होऊँगा। गाइज यहाँ पर इतनी शांति और इतनी शीतलता है कि पूछो मत। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आ कर के। एकदम चारों तरफ का व्यू, ऊंचे पहाड़ में बसा है ये स्तूपा और चारों तरफ का अच्छा खासा नज़ारा और शांत वातावरण। दूर दूर अलग अलग देशों से घूमने आए हुए पर्यटक सैलानी और यहाँ के बंदर और जगह जगह पर भगवान बुद्ध के मूर्तियाँ, मालाएं और सामग्री बेचते हुए दुकानदार सबका मन मोह लेते हैं। तो इस चढ़ यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चढ़ रहा हूँ। इस साइड में थोड़ी देर पहले जो घूम के आए थे, इस साइड में घूम के आए, अब इस साइड में जा रहे हैं हम लोग तो नहीं मैं, ठीक है। तो यहाँ कैसा दिखता है, थोड़ा सा अमेजिंग व्यू देख लो गाइस काठमांडू का। तो आगे चलते हैं, यहाँ क्या क्या है, ठीक है। थक भी गया हूँ और मुझे पानी प्यास लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो बंदर गाइस, बंदर तो बहुत ही बहुत है यहाँ पे। गाइस इधर का नज़ारा तो कुछ और ही अमेजिंग है, देखते ही बनता है। देखो क्या मस्त नज़ारा लग रहा है। एक बार इस साइड का घुमा दूँ, ठीक है। अब आपको फ्रंट कैमरे से दिखा दे। देखो गाइस यहाँ से आगे चलते हैं और ये कहाँ से आने का रास्ता है, ये यहाँ से नीचे से आने का रास्ता है, ये इस साइड से जहाँ से गाड़ियाँ रुके हुए हैं वहाँ से आने रास्ता है। अंदर चलते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही है, ठीक है। गाइज इस साइड पे मैं घूम चुका हूँ और यहाँ से पीछे को चलते हैं। यहाँ से कैसा व्यू दिखता है आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइसक्रीम बेचते हुए लोग भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर को चढ़ते हैं, सबसे पहले ऊपर चढ़ना चाहता हूँ अब, ठीक है। इस सीढ़ी से होते हुए और देखते हैं यहाँ क्या है। जब मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया तो ये दीप देखने को मिले मैम, और इस साइड में ऐसा नज़ारा और ये भी घंटे यहाँ के अंदर का दर्शन हम कर चुके हैं और इस गेट से अब मुझे नीचे उतरना है। मैं उतर रहा हूँ, यहाँ से देखो एक बारी नज़ारा दिखता हुआ उत्तर काठमांडू, क्या मस्त नज़ारा। गाइस काठमांडू का अमेजिंग व्यूज देखना चाहते हो तो एक बार ज़रूर स्वयंभू स्तूपा चढ़िएगा। यहाँ काफ़ी शांति है, काफ़ी अच्छा मनोरम वातावरण है और काठमांडू के चारों तरफ का व्यू जी भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा स्तूपा देखने को मिला, जगह जगह स्तूपे मिल जाएंगे आपको भगवान बुद्ध के। इधर को चलते हैं, यहाँ से कैसा दिखता है यहाँ का व्यू। और ये देखो शांति वाटिका, पेड़ हैं और ये वाटिका पहले बहुत बंदर थे लेकिन अभी कम दिख रहे हैं। से देखो जगह जगह का व्यू देखने को मिल जाएगा। देखो क्या शांति है और क्या अमेजिंग दृश्य है। कैमरा सेक करे तो आई एम सॉरी, क्योंकि सेल्फी स्टिक में है, इसको मैं सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। से घूम के हाँ फिर मैं नीचे वही उसी जगह पर जा रहा हूँ,
ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। देखो गाइस कहाँ है, पल्लो छेउ यहाँ माथि तो देखा गाइस बंदर कैसे तैरते हैं पानी में, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का बंदर तैरते हुए। अब फिर ऊपर चढ़ के वहाँ पूरब से होकर के फिर वीडियो को एंड करना होगा। मैं आपको पूरा घुमा चुका हूँ और इस खड़ी सीढ़ी से होते हुए नीचे उतरना है और मुझे जाना है पूरब साइड में। तो यहाँ से एक बारी काठमांडू का व्यू देखो, वहाँ जाना है। मैं इस सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आया और नीचे को जा रहा हूँ। देखो कितनी खड़ी है सीढ़ी गाइस, कितनी चढ़ाई है, देखो यहाँ चढ़ाई से लोग ऊपर को जा रहे हैं ये इस्तीफा के लिए। ठीक है, जैसे नीचे उतरेंगे सीढ़ी से वहाँ से, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की दो मूर्तियाँ दिख जाएंगी आपको। क्या आनंद वातावरण है और शांत वातावरण है, देखो। तेल खरीदा, खा लेते हैं। भगवान बुद्ध के स्तूपा का दर्शन करके स्वयं भूखा आ चुके हैं नीचे। यहाँ पर भी रास्ते में आपको बहुत सारे दुकान देखने को मिल जाएंगे। देखो नीचे से देखो, कोई हाथों से बनाया गया है। ठीक है, पूरा ये जो कलाकारी है हाथों से बनाया गया है, किस तरह बनाया हुआ देख लो आप। एक बार इन पत्थरों पर ध्यान से गौर से देखें, पत्थरों पर इस तरह की नक्काशी और कलाकृति के लिए नेपाल प्रसिद्ध है, विशेषकर यहाँ बौद्ध चैत्य स्वयंभू में। आपको जो पत्थर की ढेर दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें संदेश लिखा है, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, पर ज़रूर कुछ धार्मिक बातें लिखी है। तो गाइस स्वयंभू में स्थित बुद्ध चैत्य यानी कि बुद्ध स्तूपा आपको भ्रमण करा चुका हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो सागर की डायरी यूट्यूब चैनल को नीचे रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा पहुँच जाएगी और सबसे पहले आप देख पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी मेरा ये वीडियो पहुँचाएँगे, ताकि वो भी काठमांडू नेपाल के बुद्ध चैत्य स्वयंभू में स्थित बुद्ध स्तूपा का दर्शन व भ्रमण कर पाएँ। इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।